लोकसभा चुनाव के परिणाम से पहले बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। हिमाचल विधानसभा के स्पीकर ने बीजेपी को झटका देते हुए 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे को मंजूर कर लिया है। तो कौन है वो 3 विधायक जिनके इस्तीफे को स्पीकर ने किया है स्वीकार, जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। मंगलवार को लोकसभा चुनाव के परिणाम आ जाएंगे और कल किसकी सरकार आएगी ये भी साफ हो जाएगा। लेकिन इस बीच हिमाचल से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल सोमवार को हिमाचल के विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे मंजूर कर लिए। इनमें नालागढ़ के विधायक केएल ठाकुर, देहरा के विधायक होशियार सिंह और हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा शामिल है। इसके साथ ही स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि तीनों विधायक आज से विधानसभा के सदस्य नहीं रहे। अब देहरा, नालागढ़ और हमीरपुर विधानसभा पर उपचुनाव होगा। चुनाव और सभी विधायकों का पक्ष जानने के लिए इस्तीफा मंजूर करने में देरी हुई है। बता दें कि इन तीनों ने हिमाचल प्रदेश की एक राज्यसभा सीट के लिए हुए चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन को वोट दिया था। इसके बाद तीनों ने 22 मार्च को विधानसभा स्पीकर और सचिव यशपाल के सामने पेश होकर अपने इस्तीफे को सौंप दिया था और तीनों बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन इसका भी बीजेपी को कोई फायदा होता नजर नहीं आया। हिमाचल विधानसभा में अगर दलीय स्थिति की बात करें तो राज्य में कुल 68 सीटें हैं और बहुमत के लिए 35 MLA चाहिए। कांग्रेस के 6 विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने और अब 3 निर्दलीय MLA के इस्तीफे होने के बाद कुल विधायकों की संख्या 59 रह गई है और बहुमत का आंकड़ा 30 हो गया है। राज्य में कांग्रेस के पास इस समय 34 और बीजेपी के पास 25 विधायक हैं। कांग्रेस के 6 विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने के बाद उनकी सीट पर 1 जून को उपचुनाव भी कराए जा चुके हैं। इसका रिजल्ट 4 जून को आएगा। इन 6 सीटों का रिजल्ट आने के बाद कुल विधायकों की संख्या 65 हो जाएगी, तब बहुमत का आंकड़ा 33 रहेगा। कांग्रेस के मौजूदा विधायकों की संख्या इससे अभी 1 ज्यादा है। ऐसे में अगर बीजेपी उपचुनाव वाली सभी 6 सीटें जीत भी लेती है तो भी विधायकों की संख्या 31 ही पहुंच पाएगी, जिससे अब ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस के विधायकों को अपने पाले में लाने का बीजेपी को अब कोई फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। DB लाइव की रिपोर्ट।